देखिए, अगर आपको भी इतने मज़े की चिनियोटी बिरयानी बनाना सीखनी है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी ताकि आप भी इतने मज़े की चिनियोटी बिरयानी बनाना सीख सके। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, जिसका नाम है कुकिंग विद गुनास यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनास यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिनियोटी बिरयानी, जिसके इंग्रेडिएंट हैं। देखिए, चिनियोटी बिरयानी के लिए जो हमें सामान चाहिए, सबसे पहले हमने गोश्त लिया है, ये हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है, और हमने मिला जुला गोश्त लिया, हमने किरोई का गोश्त लिया है जो सीने का गोश्त होता है, और इसमें हमने लुखा गोश्त भी लिया है। इसको हमने बॉईल कर लिया है गरम मसाले के साथ, और आपको बाकी के मसाले बता देते। चावल भी हमने 1.5 किलो लिए हैं बासमती चावल, उसे हमने भिगो दिए, और तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया, हमने 1 कप तेल लिया है। इसके बाद जो हमें सामान चाहिए, लेयरिंग का सामान हमने ये लिया, टमाटर लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके रिंग काट लिए, 1 गड्डी धनिया लिया और 1 गड्डी पुदीना लिया, ये हम लेयरिंग का सामान आपको बता रहे हैं। इसके बाद हमें चाहिए प्याज, हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए, जिसे हमने बारीक काट लिया है। इसके बाद हमें चाहिए हरी मिर्ची, हरी मिर्ची हमने 10-15 हरी मिर्ची ली, जिसे हमने बारीक बारीक पीस लिया है। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने लहसुन लिया, और 1 खाने का चम्मच इसमें हमने अदरक लिया है, इसको भी हमने बारीक पीस लिया है। इसके बाद हमें चाहिए टमाटर, हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, जिसे हमने इस तरीके से 8 पीस कर लिए हैं। इसके बाद हमें दही चाहिए, हमने 1/2 कप दही लिए, इसमें हमने कलर डाला और 1/2 कप दही हमने सादी लिए, ये हम लेयरिंग में बिछाएंगे, ये हम मसाला भूनते वक्त डालेंगे। इसके बाद हमें चाहिए आलू बुखारे, हमने 10 से 12 आलू बुखारे लिए, और इसमें हमें चाहिए नमक, नमक हमने 1 खाने का चम्मच लिया मसाले का, और इसमें हमने जो ये मसाला बनाया है इसमें हमने लिए 1 इंच का टुकड़ा हमने जावित्री का लिया है, और हमने 1 चुटकी हमने इसमें जायफल लिया, और इसमें हमने 2 बिरयानी स्टार लिए, जिसे हमने बारीक पीस लिया है। इसके बाद हमें जो मसालों में चाहिए, गरम मसाले में हमने ये मसाले लिए, 2 तेज़पत्ते लिए, छोटी इलायची लिए, 2 बड़ी इलायची लिए, दालचीनी स्टिक लिए, और इसमें हमने काला जीरा लिया, इसमें काला जीरा डलता है, और 4-5 हमने लौंगे लिए, और इसमें हमने काली मिर्च लिए 1/2 चाय का चम्मच, और हमें चाहिए देखिए बिरयानी में और ये मसाले डालेंगे, हमने 1 खाने का चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची लिए, 1 खाने का चम्मच इसमें हमने पिसा हुआ धनिया लिया, और 1/2 चाय का चम्मच इसमें हमने हल्दी लिए। चले हमारी डिश शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है। देखिए, प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, हमें इतने चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। इसमें हम डाल देंगे मसाले, सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्ची, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ डाल देंगे हम इसमें टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका थोड़ा सा मसाला मिक्स करेंगे, इसके प्याज और डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन ही करेंगे, और हम इसके प्याज निकालेंगे भी नहीं तेवे बिछाने के लिए, इसको मसाले के। देखिए, टमाटर और हरी मिर्ची हमने हरी मिर्ची और लहसुन अदरक डाल दिया था, अब इसके साथ डाल देंगे इसमें यही मस इसके साथ डाल देंगे हम ये सूखे मसाले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ जो हमने ये मसाला बनाया था, ये मसाला भी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम डाल देंगे ये गरम मसाले जो आपको बताए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें डाल देंगे हम नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका मसाला भून लेंगे जब तक टमाटर जो है हमारे थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। देखिए, इसका मसाला भुनी चुका है चनियोटी बिरयानी का। अब इसमें हम डाल देंगे गोश्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त तो हमारा तैयार ही है, पका हुआ है, इसको बस हमें मिक्स करना है। और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें पुदीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा पुदीना डाल देंगे, आधा हम तेवे बिछाएंगे, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें दही, ये हम दही डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम डाल देंगे आलू बुखारे। बस अब हम इसका मसाला भुनेंगे कि दही का जो पानी है वो खुशक हो जाए, फिर इसके बाद हम तेल बिछा देंगे। देखिए, चिनियोटी बिरयानी का जो मसाला है वो भुनी चुका है, अब हम इसकी तेल बिछाएंगे, तो हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे, देखिए जो गोश्त हमने उबाला था उसमें से ये 2 कप यखनी निकली है, जो हम इसमें ढालेंगे। सबसे पहले हम नीचे डाल देंगे ताकि चावल जो हमारे चिपके नहीं और मसाला भी नीचे, 1 कप जितनी हम नीचे डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 कप जो है हम चावलों के ऊपर डालेंगे, ये हमने नीचे डाल दी। अब हम इसमें बाकी का सामान जो है वो डाल देंगे लेयरिंग का। ये देखिए, फौरन ही पकना शुरू हो गया क्योंकि हमने इसके नीचे तवा लगा दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे टमाटर हम एक ही तेल में डाल देंगे नीचे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, कच्चे ना आ रहे। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया और पुदीना और दही,
इसमें हम डाल देंगे दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही भी हम नीचे वाली तवे में ही डाल देंगे सबसे पहले। ये देखिए हमने इसमें दही डाल दी, और देखिए हमने चावल बॉईल कर लिए हैं। चावल हमने एक कड़ी वाले बॉईल करे, ये देखिए इसमें कड़ी है चावलों में। हम ये सारे चावल इसमें डाल देंगे। देखिए अब इसमें सारे चावल डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने इसमें सारे चावल डाल दिए। देखिए हम चावलों को सही कर देंगे। देखिए हमने चावल डाल दिए, अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे धनिया पुदीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें धनिया पुदीना डाल दिया, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें कलर जो आपको बताया था, ये कलर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिला हिला के हम सारा कलर डाल देंगे ताकि जो बिरयानी का कलर है वो देख वाली बिरयानी का कलर आए। ये हमने इसमें डाल दिया, और सबसे लास्ट में जो हमने आपको बताया था एक कप यखनी जो बची थी, ये यखनी डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें पूरी यखनी डाल दी। देखिए हमने एक कप यखनी डाल दी। अब इसको हम दम पे रख देंगे। सबसे लास्ट में जो हम आपको हमेशा बताते हैं, इस कांटे की मदद से इसके बीच में होल कर देंगे ताकि जो बिरयानी की स्टीम है वो अच्छी तरह बन जाए। अब इसको हम 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर आपको दिखाएंगे 15 मिनट के बाद। देखिए चनियोटी बिरयानी को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम हिलाएंगे। देखिए हमारी चनियोटी बिरयानी तैयार हो गई है। अब इसको हम हिलाएंगे। देखिए आज हमने आपको चनियोटी बिरयानी बनाना सिखाई है। वैसे तो हमने आपको बहुत सारी बिरयानी बनाना सिखाई है, आज हमने आपको चनियोटी बिरयानी बनाना सिखाई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी जो भी रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिल सके। अगर शुक्र, अल्लाह हाफिज़।